हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देते हैं ये सिंथेसिस पार्ट टू है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको पार्टिसिपल यूज, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉल्स यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल। कभी कभी हम नहीं जानते हैं और हम गलत प्रयोग पार्टिसिपल का कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे, आई सा ए स्नेक, मैंने सर्प देखा। Going to market, I saw a snake going to market। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कहना चाहते हैं कि मैंने बाजार जाते हुए एक सर्प देखा। लेकिन इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, I saw a snake going to market, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैंने सर्प को मार्केट जाते हुए देखा। तो आज सर्प थोड़ा नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति जाएगा। तो ये रॉन्ग प्रयोग है, गलत प्रयोग है। और देखते हैं गोइंग टू मार्केट, बाजार जाते हुए आई सा आ स्नेक, मैंने एक सर्प देखा, ये सही प्रयोग है, ऊपर वाला गलत है। इसी प्रकार से दूसरा प्रयोग, पार्टिसिपल का प्रयोग जब भी करें तो वो सेंसफुल होना चाहिए, गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे गोइंग टू स्कूल आ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, गोइंग टू स्कूल आ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, ये भी गलत प्रयोग है। बाजार स्कॉर्पियन नहीं जा रहा था, बल्कि कोई करता जाएगा। देखेंगे गोइंग टू स्कूल ही वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, ये प्रयोग सही है और ऊपर वाला गलत है। मतलब गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते समय, स्कूल जाते हुए ही वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, उसको बिच्छू के द्वारा काटा गया। तो इस प्रकार से ये सही प्रयोग है। और आगे मैं बताना चाहूंगा कि वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव को मैंने पार्ट फर्स्ट में भी क्लियर किया है और यहाँ देख लेंगे। वर्बल एडजेक्टिव जो होता है वो नॉट यूज्ड फॉर थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के लिए नहीं होता, थर्ड फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे डेड मरा हुआ, प्रोविन सिद्ध किया हुआ, श्रंकेन सिकुड़ा हुआ, सेवन दाढ़ी बना हुआ, मॉल्टन पिघला हुआ, सॉन बाल कटे हुए, जैसा आप देखते हैं भेड़ या भेड़ के बच्चे के जो बाल होते हैं वो काट दिए जाते हैं। तो सॉन, सीप या लैम, मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है। आगे देखते हैं पास्ट, इट मीन्स बीता हुआ, लडेन लदा हुआ, अट्रैक्टिव आकर्षण, ब्यूटीफुल सुंदर या मोहक, जेलस ईर्ष्यालु, क्रूअल निर्दयी, आवफुल भयानक, और एड्रोबल पूजनीय, टेस्टी स्वादिष्ट। ये सब ऐसे वर्बल एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, लेकिन इन सभी में कभी भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडी लगा करके नहीं किया जाता है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, थैंक यू।